जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हरियाणा का चुनाव 5 अक्टूबर के लिए शेड्यूल्ड है, और आप लोगों को ये भी पता है कि आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार पूरी ताकत से चुनाव हरियाणा में लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी, ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से जनता पार्टी के षड्यंत्र और चंगुल से बाहर आ गए और अब हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल जी का जो शेड्यूल है, कैंपेन का जो शेड्यूल है, उसका शुभारंभ हम कल से यानी कि 20 सितंबर से कर रहे हैं। 20 सितंबर को पहला रोड शो है जगाधरी विधानसभा से, उसके बाद दाबवाली, रानिया, भिवानी, मेहम, पुंडरी, कलायत, रेवाड़ी, दादरी, असंध, बल्लभगढ़ और बादरा, इन सारी विधानसभाओं को कवर करेंगे। लगभग 13 इवेंट्स का शेड्यूल अभी बनाया है, 11 जिलों को कवर करेंगे। इसके बाद का शेड्यूल आने वाले कुछ दिनों में आपसे शेयर करेंगे। मोटा-मोटी अगर आप हरियाणा की राजनीति को देखेंगे तो ये बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरीके से हरियाणा से साफ होने वाली है। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और बाकी जनता को और बाकी लोगों को तो छोड़ दो, भाजपा स्वयं को अपने मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं था, इसीलिए खट्टर साहब को इन्होंने रिप्लेस करके नया मुख्यमंत्री लेकर आए। प्रश्न तो बनता है कि नया मुख्यमंत्री आखिरी साल में लाने की क्या जरूरत थी? जिस तरीके से इन्होंने किसानों का अपमान किया, अन्याय किया, जवानों के साथ अपमान किया, उनके साथ अन्याय किया, हमारी माताओं और बहनों के साथ उनके मान सम्मान से खिलवाड़ किया, बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है, चारों तरफ कुशासन और अव्यवस्था अव्यवस्था है, तो भाजपा को तो खुद ही भान है कि वो इस बार जाने वाले हैं। अब बड़ा प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब जा रही है, जनता बदलाव लेकर आ रही है, तो फिर इस बदलाव में कौन सी पार्टी को मौका मिलेगा? हरियाणा ने पहले 5 साल एक पार्टी को मौका दिया, फिर 10 साल दूसरी पार्टी को मौका दिया, और फिर 10 साल अभी एक और तीसरी पार्टी को मौका दिया है। सारी पार्टियों को हरियाणा ने मौका दिया, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है हरियाणा में जो ये कहेगी कि भाई साहब मेरे को मौका नहीं दिया। कोई कंप्लेन कर ही नहीं सकता है। हरियाणा की जनता ने बड़े दयालुता से सबको मौका दिया। प्रश्न ये है कि क्या इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया? क्या इन्होंने जनता की वो सेवा करी जो जनता चाहती थी? इसका उत्तर बड़े सीधे और सरल शब्दों में ये है कि नहीं, जनता सभी पार्टियों से त्रस्त है, जनता बदलाव चाह रही है। इस बार पहली बार उनके सामने अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी लेकर वहां हरियाणा में उतरे हैं, तो एक बदलाव के लिए एक नया और एक अच्छा ऑप्शन पूरी हरियाणा की जनता के सामने है। हरियाणा की जनता ने पंजाब के काम को देखा है, दिल्ली की सरकार को देखा है, सारा कुछ देखकर जनता इस बार बदलाव के लिए जाएगी, और अरविंद केजरीवाल जी की नई राजनीति, ईमानदार राजनीति और आम आदमी पार्टी को देकर वोट करेगी। थैंक यू। संदीप सर, अरविंद जी पहली बार जा रहे हैं, आप लोग तो गठबंधन की कोशिश भी कर रहे थे हरियाणा में कांग्रेस के साथ, कितना बड़ा थ्रेट मानते हैं आप लोग कांग्रेस के लिए? कांग्रेस समझौता नहीं कर रही आपसे, आप वो भी आप लोगों के सामने है, ये कहा जा रहा है कि इसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला देखिए, हम लोग इतनी छोटी राजनीति करते नहीं है, छोटी राजनीति के लिए आए भी नहीं है, सब कुछ न्योछावर करके राजनीति में आए हैं। हमारा मकसद किसी पार्टी को नीचा गिराना, किसी पार्टी का वोट काटना नहीं है। हम जीतने के लिए मैदान में जाते हैं। ईश्वर ने हमें जितना, जितनी भी शक्ति, जितना सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य से उतरेंगे और जीतने के लिए उतरेंगे। जो सामने आएगा उसका वोट कटेगा। अब जिसको सामने आना है आ जाए, वो तो जनता तय करेगी। जनता को जिस पर भी विश्वास रहे, जनता उस पर आशीर्वाद देगी। हमें अपना धर्म निभाना है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, और एक अच्छे मुद्दे के साथ स्कूल, हॉस्पिटल, गुड गवर्नेंस, किसान, ये सारे मुद्दे लेकर जनता के पास जा रहे हैं। जनता आशीर्वाद जिसको देगी उसको सिरोधार्य करेगी। कांग्रेस से जहां सीधी टक्कर है वहां पे भी उतनी ही ताकत से चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही प्रश्न में कहा कि हम
बड़े सीधे सरल साफ साफ चुनाव लड़ते हैं। लगभग मोटे मोटे तौर पर सारे विधानसभाओं में चुनाव लड़ रहे हैं, सारे विधानसभाओं में लगभग चुनाव लड़ रहे हैं, सारे विधानसभाओं में पूरी ताकत से जाएंगे, जनता के पास जाएंगे। और हमारा मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मेन मुद्दा यह है कि भाई हम आपके लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, आपके लिए अच्छे अस्पताल बनाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, किसानों को न्याय दिलाएंगे, जवानों को न्याय दिलाएंगे, महिलाओं को सम्मान दिलाएंगे। ये हमारा मुद्दा है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे ये पार्टी है, वो पार्टी है, वो पार्टी है, वो जनता को तय करना है। तो कैलकुलेशन एक ही होता है। और कहते हैं कई बार स्ट्रैटेजी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। स्ट्रैटेजी सिंपल होती है, जनता के दिल की बात सुनो, जो जनता कह रही है उसको करो, यही स्ट्रैटेजी होती है। और इससे बड़ी और इससे बेस्ट स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती। थैंक यू सर। ये अगले 4-5 दिन में कर लेंगे सर। आज मैनिफेस्टो आया है बीजेपी का, बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं किसानों को लेकर, अग्निवीर को लेकर। आप किस तरीके से देखते हो फ्री का जुमला जो आपके ऊपर कहा जाता था, एक तरीके से उनके मैनिफेस्टो में नजर आ रहा है। कल कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी चीजें थी, तो क्या फ्री की राजनीति पर ही काम चल रही है, तीनों पार्टी का काम उसी पर चल रहा है? देखिए, हमने पहले ही कहा था कि हम इस देश को एक नई राजनीति, राजनीतिक दिशा दिखाने आए हैं। पहले ये ब्लेम करते हैं कि ये फ्री की राजनीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और फिर धीरे 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 थोड़े देर से समझ आती है इनको, जैसे ट्यूबलाइट होता है ना वैसे ही। तो धीरे धीरे सीख जाएंगे, ये सिखा देंगे इनको हम। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि केजरीवाल जी जो भी एजेंडा लेकर आते हैं, गारंटी लेकर आते हैं, वो 100% अक्षर से पूरा करते हैं। अब आप इसको कॉपी फोटो कॉपी तो कर लोगे, पर जो अंदर जो इंटेंट होता है, जो उसको पूरा करने का जो एक भावना होती है, जो ड्राइव होता है, जो कैपेबिलिटीज होती है, गवर्नेंस की जो कैपेबिलिटीज होती है, वो कहां से लाओगे? कई जगह पे ये कॉपी करके, फोटो कॉपी करके इन्होंने घोषणा की है कि हम फलाना कर देंगे, यहां पे ढिकमा कर देंगे, क्या हुआ? तो इनके जितने भी मैनिफेस्टो कह लो, संकल्प पत्र कर लो, कह लो एक्स वाई जेड, जो नए नए नाम ले आओ, उसका मेरा ये मानना है, ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसमें कुछ होना जाना नहीं है। वो जस्ट टाइम पास होता है, इनके लिए एक इवेंट होता है कि आज कह दो, आज बोल दो, बाद में देखा जाएगा। हमारे लिए ऐसा नहीं होता। सर, दिल्ली में भी क्या कोई बड़ी रैली की तैयारी है? क्योंकि अभी तक जो आउटरीच प्रोग्राम, जिसकी बात आम आदमी पार्टी कर रही है, जनता के बीच जाने वाला, वो अरविंद केजरीवाल का कुछ उसको लेके डिसीजन ऑलमोस्ट हो गए हैं, बहुत जल्दी उसको रिलीज कर देंगे। आज सिर्फ हरियाणा पे रख रहे हैं। सीएम लगातार वहां हरियाणा कैंप करेंगे, अप डाउन करेंगे, जैसे परसों शपथ है, तो क्या शपथ में शामिल होंगे कैबिनेट के? वो तो देख लेंगे, जो जो जरूरी चीजें होंगी वो कर लेंगे। हरियाणा में बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत पास में है, तो आपको आते जाते रोड से भी बन जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।